कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन शुरू हुए 6 महीने पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर किसान संगठनों ने काला दिवस मनाया, जगह जगह सरकार के पुतले जलाए गए और नारेबाजी की गई। चंडीगढ़ में भी कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए। तलवंत सिंह जी, आज 6 महीने हो गए हैं आज के जो प्रोग्राम पूरे ऑल इंडिया हुए हैं, चंडीगढ़ हो रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है? बहुत वधिया रहा जी, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जी। लोगों के मन च रोष है, लोगों के मन च गुस्सा है, काले कानूनों नू लैके, मोदी नू लैके, हाई हेडेडनैस नू लैके, लालेस नू लैके, इहदे करके जी सारे लोग सड़कां ते कट्टे पए आ बाहर, ते अज दा दिन काले दिवस जो मनाया गया जी। लगातार सरकार वालों अपील होंदी रही है कि कोरोना के हालात है, एजिटेशन नू सस्पेंड कर दिता जाए जिन्ने दिन तक हालात इदां दे हैगे ने, की वजह है कि किसान जथेबंदियां इस गल नू नहीं मनदे? नहीं सर, किसान जथेबंदियां दा सवाल नहीं हैगा, ये सरकार की अपनी मिसमैनेजमेंट है। पहली गल तो यह हैगा, वह सरकार ये भी कह सकती सी किसान जथेबंदियां नू कि इहदे बारे असीं गल कर लांगे, इन्हां नू रद्द कर दांगे, तुसीं घर जाओ, अपने अपने घर जाके बैठो, आ जदों करोना खत्म हो जाएगा उस तो बाद असीं देख लांगे की हुंदा है। सरकार गलबात ही नहीं कर रही। 65% जिहड़ी जनता हैगी है जी, एग्रीकल्चर ते निर्भर करदी है, उन्हां दे वल्लों चिट्ठी लिखी जांदी है जथेबंदियां वल्लों। अज 3-4 दिन हो गए जी, कोई जवाब ही नहीं आता प्रधानमंत्री वल्लों। जदों करोड़ों बंदियां दे रिप्रेजेंटेटिव है जी, वो एग्रीकल्चर ते ही सारा मतलब कहिंदे जी भारत पिंडां च वसदा है, ते पिंडां च भारत वसदा, जे पिंडां दे लोकां दी गल तां सुणो, पिंडां नूं जाड़न क्यों लगे हो? ठीक है जी, ते करोना दा जिहड़ा मिसमैनेजमेंट इन्हां ने खुद किया हुआ है जी, इन्हां ने तां मार्च च कहता सीगा हैल्थ मिनिस्टर ने तां कि इह तां एंड गेम है करोना, फिर करोना कित्थों आ गया जी? फिर जे एंड गेम है तां ठीक है ना जी, ते तैयारी की नहीं है तां 84 कंट्रियां नूं इन्हां ने पहलां दवाइयां भेज दियां कि आ तुसीं, असीं तां इन्हां नूं बचाउणा है, मतलब प्रियोरिटी इन्हां दी असीं है ही नहीं सीगे जी। अच्छा नहीं, हुण एक बार फिर दोबारा तो ऑफर आई हैगी है सरकार वालों कि असीं जिहड़े 18 महीने लई फिर तो मुलतवी कर रहे हैं, 18 महीने कानून लागू नहीं रहेंगे, तो तुहानूं लगता कि सरकार की गल नूं वेखदे होए दोबारा गलबात शुरू होनी चाहिए है और जिहड़ी एजिटेशन है सस्पेंड कर दी जानी चाहिए? सर, एजिटेशन तो तदे सस्पेंड की जा सकती है जे सरकार किसी कंकलूजन पर गलबात करती है। सरकार क्यों नहीं कहती कि असीं इन्हां नूं रद्द करते हैं, बाद किसान जथेबंदियां नाल बैठ के सारी धिरां नूं इकट्ठे करके बाद गलबात करके सारी गलबात हो सकती है जी, ये कोई दिक्कत नहीं है। किसान ये नहीं कहते कि असी सरकार नूं नहीं मिलना, सरकार उन्हां दी है, लेकिन सरकार ये तो कहे कि हाँ तुसी जाओ, ये सारी चीज़ वो असी इनू रद्द करते हैं या जद तक थोड़े नाल पूरी गलबात नहीं होंदी इनू असी सस्पेंड करते हैं इनडेफिनाइटली, ते कोई गल बन सकती है जी, वो तो कोई दो रावा नहीं है, पर सरकार की विल तो होवे, सरकार की विल ही नहीं हैगी, सरकार तो जिद ते अड़ी भी है जी। सरकार तुसी देखो जी, 2004 तो लैके 2006 तक सर स्वामीनाथन जी जिहड़े सब तो इंटलैक्चुअल होए जी एग्रीकल्चर नूं लैके, उन्होंने 5 रिपोर्टां दित्तियां 2006 तो जी, वह रिपोर्टां धूड़ खा रही, तो 5 दित्तियां जी उन्हें अलग अलग विषय से, चाहे वह लैंड रिफॉर्म होवे, चाहे वह इरीगेशन होवे, चाहे प्रोडक्शन होवे एग्रीकल्चर के, आ सारे विषयां नूं उन्हें कवर किया जी A to Z नूं, ते फिर उन्होंने कहा सीगा कि तुसीं इहनूं 50% जिहड़ी हैगी है कॉस्ट दा तुसीं दोगे, MSP दोगे, ते होर सर कोई किसी की रिपोर्ट की जरूरत नहीं सी, किसी चीज़ की जरूरत नहीं सी, सिर्फ MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देन, किसान कल नूं उठ के आ जाएंगे, तो होर कोई गल्ले नहीं हैगी। तो हुण तां देखो जी, जब प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी सरकार, कानूनी गरंटी नहीं देगी, तो सारा सरकार डिमांड कर रहा, पहला इन्होंने कहा कि पंजाब का अंदोलन है, फिर कहा जी हरियाणा का अंदोलन है, फिर कहने लगे जी इन्होंने कुछ कुछ बेस्ट नहीं, ये हुण सारे देश का अंदोलन है जी। MSP सारे देश चाहिए, MSP नहीं मिलेगी तो वैसे ही गरीब आदमी तो भुखा मर जाएगा। थैंक यू।